धूमावती इतनी भयंकर क्यों है? शक्ति का यह रूप इतना तीव्र क्यों है? मित्रों, 10 महाविद्याओं में धूमावती अत्यंत प्रचंड शक्ति है। उनकी साधना बाधाओं के निवारण हेतु शत्रु पर विजय पाने की अभिलाषा से संपन्न की जाती है। धूमावती का स्वरूप देवी के पारंपरिक चित्रण से सर्वथा भिन्न है। जहां अन्य देवियां सौभाग्य और समृद्धि की प्रतिमूर्ति है, वहीं पर धूमावती विधवा वृद्ध हैं। उनके साथ एक अश्वरहित रथ, सूप और कौआ का चित्रित किया जाता है। कई बार धूमावती को अलक्ष्मी एवं नैऋति से भी जोड़ा गया है। दोनों ही शक्तियां दुर्भाग्य की परिचायक है। फिर भी मन में यह सवाल बार बार आता है कि 10 महाविद्याओं में सिर्फ धूमावती ही शिव विहीन क्यों है? इसका गहन आध्यात्मिक अर्थ क्या है? इसे समझने के लिए धूमावती की उत्पत्ति की पौराणिक कथाओं पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। पौराणिक कथाएं सांकेतिक भाषा में बात करती है और उनमें छुपे रहस्य के पर्दे को हटाकर सच को देखा जा सकता है। कथा है कि सती जब दक्ष के यज्ञ में जल गई, तब उनके स्वरूप में सिर्फ धुआं बचा था, जिससे धूमावती की उत्पत्ति हुई। शिव से विलग सती में सिवाय दुख, विषाद, पीड़ा के क्या शेष रहा होगा, जिसे धूमावती के स्वरूप में छाया धुआं बखूबी दर्शाता है। शिव का अपमान शक्ति से सहन नहीं हुआ और उन्हें यज्ञाग्नि में जल जाना ही अपमान के अग्नि में जलने से शीतल जान पड़ा। इस बात से कोई दो राय नहीं है कि जीवन में सबसे तीक्ष्ण अग्नि अपमान की है, जिससे दग्ध होकर व्यक्ति मृत्यु को भी वरण कर लेता है। परंतु अंत तो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। शरीर जब अपमान की आंच से दग्ध होता है, तब आत्मा धुआं धुआं हो जाती है, जो धूमावती का स्वरूप है। इसलिए धूमावती शत्रु बाधा निवारण के लिए, उसके मान मर्दन के लिए बेजोड़ देवी हैं, क्योंकि धूमावती जानती हैं अपमान की आंच। दूसरी कथा है कि एक बार पार्वती को भूख लगी और उन्होंने शिव से भोजन मांगा। समाधिस्थ शिव भोजन का प्रबंध कहां से करते, एवं क्रोध में भरकर पार्वती ने शिव को ही खा लिया। शिव के गले में विष था, जिससे पार्वती जलने लगी। पार्वती के इस भयंकर कृत्य को देखकर शिव उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें बाहर निकाल दें। धूमावती शिव को उगल देती हैं और क्रोध में भरकर शिव उन्हें विधवा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पति को ही खा लिया था, अर्थात धूमावती। तब से धूमावती अकेली हैं, शमशानवासिनी हैं, श्रृंगार विहीना हैं। अब स्पष्ट होता है कि धूमावती के साथ अश्वरहित रथ क्यों हैं? कठोपनिषद में लिखा हुआ है, आत्मान रथिन विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धि तु सारथी विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। नचिकेता को यम समझाते हुए कहते हैं कि शरीर रथ है और आत्मा उस रथ का मालिक है। बुद्धि उस रथ की लगाम है एवं इंद्रियां उसके घोड़े हैं। धूमावती के पास सिर्फ रथ है, क्योंकि इंद्रियों पर धूमावती का पूर्ण अधिकार है। वे उन्हें किसी भी दिशा में नहीं ले जा सकते हैं। जब घोड़े ही नहीं हो तो लगाम की क्या आवश्यकता होगी? शिव आज्ञा हर व्यक्ति में तीसरे नेत्र के रूप में विद्यमान है, जो उसका मार्गदर्शन हर स्थिति में करती है। धूमावती ने शिव को क्षुधा वश निगल लिया था। क्षुधा अर्थात भूख, जो सभी प्राणियों में शक्ति की एक विभूति बनकर अवस्थित है। इस स्थान पर ठिठक कर सोचना पड़ेगा कि शक्ति शिव से भोजन क्यों मांग रही हैं? वे तो स्वयं अन्नपूर्णा हैं, क्योंकि क्षुधा कामनाओं का प्रतीक है। शरीर पर जब कामनाओं की सनक सवार होती है तो आत्मा धुआं धुआं हो जाती है। धूमावती का धुआं स्वरूप आत्मा एवं शरीर में कामनाओं के उपद्रव के कारण आए विभाजन को दर्शाता है। धूमावती साधना दुख दारिद्र्य का अंत करने में अति प्रभावशाली है। देवी ने भूख से पीड़ित होकर शिव को निगल लिया था। अगर कैलाश पर उस समय भोजन होता या फिर शिव ने उनकी प्रार्थना की अनसुनी नहीं की होती, तो धूमावती भी सौभाग्यवती होती। जीवन में आवश्यकताओं का पूर्ण होना आवश्यक है।
जिन्हें अपने जीवन में हर आवश्यकता पूरी करने के लिए अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है, उनका स्वभाव कठोर हो जाता है। धूमावती साधना जीवन के सभी कष्ट, संताप, भूत प्रेत, तंत्र बाधा पूर्णतया समाप्त कर देता है। यदि लक्ष्मी रूठ गई हो, कर्जदार परेशान कर रहे हैं, रोग बीमारी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे, घर में नित्य लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, उस समय धूमावती की साधना अति फलदायी है। निरंतर इनकी स्तुति करने वाला कभी धन विहीन नहीं होता है, उसे दुःख छूते भी नहीं, बड़ी से बड़ी शक्ति भी इनके सामने नहीं टिक पाती, इनका तेज सर्वोच्च कहा जाता है। श्वेतरूप व धूम्रक अर्थात धुआं इनको प्रिय है, पृथ्वी के आकाश में स्थित बादलों में इनका निवास होता है। तांत्रोक्त धूमावती साधना, तंत्र साधना पूर्ण विधान सहित करना आवश्यक है। तंत्र साधना में दृढ़ संकल्प भाव आवश्यक है। इस साधना में लगने वाले सामग्री इस प्रकार है। प्राणश्चेतना युक्त धूमावती यंत्र, दीर्घामाला तथा अघोरा गुटिका की आवश्यकता होगी। धूमावती साधना को पौष कृष्ण द्वादशी अथवा किसी भी तंत्र सिद्धि मुहूर्त, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि, ग्रहण काल, अमावस्या या रविवार के दिन संपन्न कर सकते हैं। यह रात्रिकालीन साधना है, इसे रात्रि 8 बजे से 11 बजे के मध्य संपन्न करना चाहिए। साधना के लिए साधक को स्नान आदि से पवित्र होकर साधना कक्ष में पश्चिम दिशा की ओर मुख कर उन्हीं आसन पर बैठकर साधना करनी चाहिए। लाल वस्त्र, लाल धोती और गुरु चादर का प्रयोग करें। धूमावती साधना को साफ स्वच्छ शून्य स्थान में, किसी प्राकृतिक स्थान, गुफा या किसी भी एकांत स्थल पर जहां कोई विघ्न उपस्थित न हो, ऐसे स्थान पर करना श्रेयस्कर रहता है। अपने सामने चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर गुरुचित्र, विग्रह, यंत्र अथवा पादुका स्थापित करें। धूमावती साधना में सिद्धि हेतु सर्वप्रथम गुरु ध्यान संपन्न कर पंचोपचार गुरु पूजन संपन्न करें। पंचोपचार गुरु पूजन के लिए इस मंत्र का जप करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। पंचोपचार पूजन के पश्चात 3 आचमनी जल गुरुचित्र, विग्रह, यंत्र या पादुका पर घुमाकर छोड़ दें। इसके पश्चात गुरु माला से गुरु मंत्र की एक माला मंत्र जप अवश्य करें। गुरु पूजन के पश्चात गुरु चित्र के आगे ही धूमावती का चित्र स्थापित करें, फिर किसी प्लेट में धूमावती यंत्र को स्थापित करें। यंत्र को जल से धोकर उस पर कुमकुम से 3 बिंदु लाइन से लगा लें, जो सत्व, रज एवं तम गुणों के प्रतीक स्वरूप हैं। धूप व दीप जला दें तथा पूजन प्रारंभ करें। मुख्य पूजन प्रारंभ करने से पूर्व दाहिने हाथ में जल लेकर गुरुदेव के समक्ष संकल्प करें कि हे गुरुदेव, मैं आपको साक्षी रखकर महाविद्या धूमावती साधना संपन्न कर रहा हूँ, आप मुझे सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें। गुरु के समक्ष साधना संकल्प के पश्चात दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लें और दिए जा रहे मंत्रोच्चारण से विनियोग संपन्न करें। मंत्र इस प्रकार है। अस्य धूमावती मंत्रस्य पिप्पलाद ऋषि निवृच्छन्द ज्येष्ठा देवता थम बीजम स्वाहा शक्तिः धूमावती कीलकम ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। मंत्र उच्चारण के पश्चात हाथ में लिए हुए जल को भूमि पर या किसी पात्र में छोड़ दें। इसके पश्चात ऋष्यादि न्यास और कर न्यास करें। ऋष्यादि न्यास मंत्र इस प्रकार है। ओम पिप्पलाद ऋषे नमः शिरसि सिर स्पर्श करें। ओम निवृच्छन से नमः मुखे मुख स्पर्श करें। ओम ज्येष्ठा देवताय नमः हृद्धि हृदय स्पर्श करें। ओम धूम बीजाय नमः गुहे गुह्य स्थान स्पर्श करें। ओम स्वाहा शक्तये नमः पाद्यो पैरों को स्पर्श करें। ओम धूमावती कीलकाय नमः नाभौ नाभि स्पर्श करें। ओम विनियोगाय नमः सर्वांगे सभी अंगों को। अब कर न्यास करें। ओम धूम अंगुष्ठाभ्याम नमः दोनों तर्जनी उंगलियों से दोनों अंगूठों को स्पर्श करें। ओम धूम तर्जनी भ्याम नमः दोनों अंगूठों से दोनों तर्जनी उंगलियों को स्पर्श करें। ओम मा मध्यमाभ्याम नमः दोनों अंगूठों से दोनों मध्यमा उंगलियों को स्पर्श करें।
ओम अनामिका अभ्याम नमः, दोनों अंगूठों से दोनों अनामिका उंगलियों को स्पर्श करें। ओम तीन कनिष्ठियाभ्याम नमः, दोनों अंगूठों से दोनों कनिष्ठिका उंगलियों को स्पर्श करें। ओम स्वाहा करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, परस्पर दोनों हाथों को स्पर्श करें। इसके बाद यंत्र गुटिका और माला को दोनों हाथ की अंजलि में ले लें और एकाग्रचित होकर दीपक की लौ पर ओम धूम धूम धूमावती का 51 बार जप करते हुए त्राटक करें। इसके बाद यंत्र माला गुटिका को दोनों नेत्रों से स्पर्श कराएं और पुनः चौकी पर रख दें। गुटिका को यंत्र के सामने रखें। इसके पश्चात पुनः एक बार दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि अमुक मासे महीने का नाम बोलें, अमुक दिने दिन का नाम बोलें, अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अपने गोत्र का नाम बोलें, अमुक अपना नाम बोलें। इसके बाद हाथ में लिए जल को भूमि पर छोड़ दें। संकल्प के पश्चात दोनों हाथ जोड़कर दिए जा रहे मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवती धूमावती का ध्यान करें। अत्युच्चा मलिनाम्बराखिल जनोद्वेगाभा दुर्मना रुक्षाक्षित्रित्या विशाल दशना सूर्योद्री चंचला प्रस्विदाम्बुचिता क्षुधाकुल तनु कृष्णातिरुक्षा प्रभा ध्येया मुक्तकत्वा सदाप्रिय कलिर्धूमावती मंत्रिणा। अर्थात मलिन वस्त्र पहने हुए, सबको भयभीत करने वाली, मन में विकार को उत्पन्न करने वाली, रुखे बाल वाली, भूख और प्यास से व्याकुल, बड़े बड़े दांतों वाली, बड़े पेट वाली, पसीने से भरी हुई, बड़ी बड़ी आँखों वाली, कांतिहीन खुले बालों वाली, सदा अप्रिय व्यवहार को चाहने वाली भगवती धूमावती का मैं ध्यान करता हूँ कि वे मेरे जीवन की समस्त विघ्न बाधाओं का नाश करें। इस प्रकार भगवती धूमावती के स्वरूप का चिंतन करते हुए बाहे हाथ में गुटिका को लेकर मुट्ठी बांध ले तथा दीर्घा माला से दिए जा रहे मंत्र का 5 माला नित्य 3 दिन तक जप करें। ओम धूम धूम धूमावत्य फट स्वाहा। यह 3 दिन साधना के पश्चात 4th दिन जप समाप्ति के बाद सभी सामग्रियों को चौकी पर बिछे कपड़े में ही लपेट कर किसी जन शून्य स्थान में गड्ढा खोद कर दबा दें और पीछे मुड़कर न देखें। घर आकर हाथ पैर धो लें। यह साधना दुर्भाग्य की गूढ़ रेखाओं को मिटाकर सौभाग्य में बदलने की दिव्य क्रिया है। इस साधना के बाद निश्चय ही जीवन में सौभाग्य का सूर्य उदय होता है।